नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। बॉलीवुड की दुनिया में स्वरा भास्कर एक बड़ा नाम है। एक्ट्रेस कई मूवीज में काम कर चुकी हैं, कई हिट मूवीज दे चुके हैं। वहीं हाल ही में सुर्खियों में छाई एक्ट्रेस स्वरा ने गुपचुप तरीके से शादी कर ली है। स्वरा भास्कर ने समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र यूथ ब्रिगेड के अध्यक्ष फहद अहमद को अपना हमसफर चुन लिया है। दोनों की शादी की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। फोटो वायरल होते ही एक्ट्रेस को ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ा। वहीं शादी के बाद से ही स्वरा के सामने एक विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल दरगाह आला हजरत से जुड़े संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने स्वरा भास्कर की शादी को नाजायज करार दिया है। उन्होंने कहा, पहले स्वरा भास्कर इस्लाम कबूल करे तभी निकाह जायज होगा। उन्होंने कहा है कि बिना इस्लाम कबूल किए स्वरा भास्कर फहद अहमद से निकाह नहीं कर सकते। उन्होंने ये भी कहा कि शरीयत में गैर मुस्लिम से निकाह नाजायज है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने कहा कि इस्लाम में इस तरह से निकाह करना नाजायज होता है। इस विवाद के बीच एक्ट्रेस के लिए ये खुशखबरी भी रही कि उनके फैंस ने उनका साथ दिया। यहां तक कि स्वरा के ससुराल बरेली के बहेड़ी में स्थानीय लोग भी काफी खुश नजर आए। परिवार के सभी लोग इस वक्त दिल्ली गए हुए हैं, लेकिन अभी एक्ट्रेस की मुसीबतें कम नहीं हुई हैं। अब ये सवाल खड़ा होता है, क्या प्यार के खातिर स्वरा इस्लाम कबूल करेंगी? लेकिन इससे पहले सवाल आता है कि स्वरा ने किस एक्ट के जरिए फहद अहमद से शादी की, आखिर वो कौन सा एक्ट है? चलिए बात करते हैं। आपको बता दें कि भारत में अंतर जातीय या अंतर धार्मिक विवाह इंटर रीजनल मैरिज के लिए कुछ विवाद है। यूं तो हिंदुओं के लिए हिंदू मैरिज एक्ट और मुसलमानों के लिए मुस्लिम मैरिज एक्ट होता है, लेकिन इनके लिए जरूरी है कि विवाह करने वाले दोनों ही व्यक्ति उसे धर्म के हो, नहीं तो एक को धर्म परिवर्तन करना होता है। वहीं लव जिहाद को लेकर कई लोगों की आपत्ति है कि बहुत से लोग सुनियोजित तरीके से लड़कियों को फुसला कर धर्म परिवर्तन कर विवाह करते हैं। लेकिन क्या हो अगर अलग अलग धर्म को मानने वाले दो शख्स आपस में शादी करना चाहते हो लेकिन अपना धर्म नहीं बदलना चाहते हो? ऐसे में समाधान है स्पेशल मैरिज एक्ट। जी हाँ, हाल ही में यह एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है क्योंकि स्वरा भास्कर ने इसी कानून के जरिए शादी की है। स्वरा भास्कर ने फहद जरार अहमद से इस कानून के जरिए शादी करने के बाद इस कानून की तारीफ भी की, जो धार्मिक कानूनों के बिना ही अलग अलग धर्मों के लोगों को बिना धर्म बदले शादी करने का मौका देता है। उन्होंने कहा कि कम से कम ऐसा कानून तो है जो प्यार को मौका देता है। उन्होंने अपने ट्वीट में आगे कहा कि प्रेम का अधिकार, जीवन साथी चुनने का अधिकार, विवाह का अधिकार, ये किसी पर विशेष अधिकार नहीं है। चलिए आपको बताते हैं कि क्या कहता है स्पेशल मैरिज एक्ट। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, जिसे SMA भी कहते हैं, सिविल मैरिज का कानून है जो धर्म की जगह राज्य को विवाह करने का अधिकार देता है। विवाह, तलाक, बच्चे को गोद लेना जैसे काम धार्मिक नियमों के तहत निर्धारित होते हैं, जिन्हें अलग से कानून का रूप दिया गया है। इन्हें पर्सनल लॉ कहा जाता है। मुस्लिम मैरिज एक्ट 1954 और हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इसी कानून के तहत आते हैं, लेकिन वही पर्सनल लॉ के साथ समस्या ये है कि वर वधु दोनों ही पक्षों का धर्म एक ही होना चाहिए, और अगर नहीं हो तो उन्हें धर्म परिवर्तन करना होगा। यानी अगर हिंदू या मुस्लिम शादी करना चाहते हैं और अगर वे मुस्लिम मैरिज एक्ट के तहत शादी करना चाहें तो हिंदू को मुस्लिम धर्म अपनाना होगा, और वहीं अगर दोनों हिंदू मैरिज एक्ट के जरिए शादी करना चाहें तो मुस्लिम को हिंदू बनना। SMA में बिना धर्म परिवर्तन किए या अपनी धार्मिक पहचान गवाए ही दो अलग धर्म के व्यक्ति शादी कर सकते हैं। भारत में सिविल और धार्मिक दोनों ही तरह के विवाह की स्वीकृति है। इसमें भारत के धर्मों के लोग, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध शामिल हैं। इस नियम के कुछ शर्तें जरूर हैं, लेकिन वे किसी धर्म के आड़े आने वाली शर्तें नहीं लगती। स्वरा भास्कर की मुलाकात की बात करें, उनकी लव स्टोरी की बात करें, स्वरा भास्कर की मुलाकात 2019 में CAA और NRC को लेकर हुए प्रोटेस्ट के दौरान समाजवादी पार्टी यूथ ब्रिगेड के महाराष्ट्र के अध्यक्ष फहद अहमद से हुई थी। उसी दौरान फहद अहमद की स्पीच सुनकर
स्वरा भास्कर का दिल पिघल गया था, स्वरा भास्कर का दिल उन पर आ गया था। स्वरा भास्कर ने तभी से ठान लिया था कि वह फहद अहमद को अपना जीवन साथी बनाएंगी। इसके बाद स्वरा भास्कर ने 5 जनवरी को शादी कर ली। बहेड़ी वासियों को जब पता चला स्वरा भास्कर ने फहद अहमद से शादी कर ली है तो बहेड़ी वासियों की खुशी बढ़ गई। लोगों का कहना है कि इंतजार है कि स्वरा भास्कर बहू बनकर तो उनका आएंगी और खूब तरीके से स्वागत किया जाएगा। अब देखना है कि क्या स्वरा भास्कर प्यार और अपना धर्म दोनों साथ लेकर चलती है या फिर स्वरा भास्कर प्यार के खातिर इस्लाम कबूल करती हैं। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहे इंडिया न्यूज़ डिजिटल। धन्यवाद।